वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट स्क्रू कन्वेयर गियर बॉक्स के बारे में, जो यहाँ पे आप देखिए ये डैमेज हो गया है। तो ये किस प्रकार से सही हुआ, और ये जब डैमेज हुआ उस कंडीशन में इसका ये पार्ट ख़राब हो गया। पूरा गियर बॉक्स नहीं ख़राब हुआ, ना ही फटा। ये यहाँ पे जो बोल्ट इस पे कसे जाते हैं फ्लैंच में, जो ये गियर बॉक्स टाइट होता है, यहाँ से ये सभी होल डैमेज हो गए। तो डैमेज होने की वजह से अब इसमें हम दोबारा से इसको टाइट नहीं कर सकते। जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसमें कट है, जो भी सेम है, सेम टू सेम दूसरा कास्टिंग के लिए दिया हुआ था, तो ये दूसरा पीस बन के आया है। इसकी एक सील डैमेज थी, ये सील भी डलेगी इस पर। ये जो सील डैमेज है ये स्क्रू कन्वेयर साइड के लिए है, जो आउटपुट स्पीड है उसके लिए है, और जो मोटर से इनपुट स्पीड है वहाँ की सील सही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पुराना वाला उसका जो पार्ट है और इम्पेलर है, और ये स्क्रू कन्वेयर साइड यूज होता है जो इसकी बड़े गियर हैं, क्योंकि हमको स्पीड कम करना होता है। और जनरली स्पीड की बात करें तो स्क्रू कन्वेयर का गियर बॉक्स की जो स्पीड है, तो सभी गियर बॉक्स में और स्क्रू कन्वेयर की साइज़ और लेंथ पे डिपेंड करती है, और 60 से लेके 140 120 ऐसे इसकी स्पीड होती है। तो अभी इसमें ऑयल सील जो है इसको लगा लेना अच्छे से, और इसमें जो कभी ना बैठे तो हल्का सा पुश करना है किसी ऐसी चीज़ से जो इसमें नुकीली ना हो, तो आसानी रहता है। और नुकीली चीज़ से इसे यदि कट गया, डैमेज हो गया, तो ऑयल आते रहेगा। और इसके जो जॉइंट जब दोनों गियर बॉक्स का जब कसते हैं, तो उस कंडीशन में ऑयल एना बॉन्ड लगा देते हैं। और यहाँ पर जो इसमें भी कट है, जैसा पुराने वाले में भी था, यहाँ पर ऑयल सील भी लग गया है, तो यहाँ से कम्प्लीट है। अब इसको क्या करना है, इसको इधर से भी देखिए, यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ से इस तरह से। और ये जो अंदर ग्लैंड का सिस्टम है, तो ये जो ग्लैंड का सिस्टम है, ये सीमेंट रिवर्स ना आए और गियर बक्से तक ना जाए और गियर में ना जाए, उसके लिए है। तो यहाँ पे ग्लैंड रहना चाहिए और यहाँ से सीमेंट रिवर्स नहीं जाना चाहिए। सील का भी सिस्टम होता है, ग्लैंड का भी होता है। और ये जो पूरा पार्ट है एल्युमिनियम का है, अलग से परचेज भी किया जा सकता है। और यहाँ पे इसमें फिट कर लेंगे, लेकिन फिट करने से पहले इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर देंगे, जो ऑयल डाल देंगे, जिसकी वजह से बैठाते समय सील वगैरह ना डैमेज हो। इसमें तो ऑयल डालना है, लेकिन पहले लगा दें तो थोड़ा सा और सही रहता है, स्मूथली बैठ भी जाता है। और यहाँ से इसको ये जो फिट कर रहे हैं इंपेलर, ये चला जाएगा स्क्रू कन्वेयर साइड को। और ये जो छोटा सा है, इसमें बहुत ही कम गियर होते हैं, ताकि ये मोटर हाई स्पीड चलती है और जो बड़ा गियर वो कम राउंड लगते हैं, इसलिए स्क्रू कन्वेयर की स्पीड घट जाती है। और यहाँ से इसको फिट कर लेना है दोनों को, और चाहे आप पूरे गियर बॉक्स को ही यहीं पे कंप्लीट कर सकते हैं, या तो फिर इतना जो सिस्टम है आप वहाँ कस लीजिए, लेकिन बेटर रहता है कि आप पूरा बाहर ही कंप्लीट कर लें। लेकिन अभी थोड़ा बैठाने में आसानी रहे, इसके लिए हम ये अलग अलग ही फिट कर लेंगे, और इस पार्ट को जो है वहीं पे डायरेक्टली फिट कर लेंगे। और यहाँ पे मोटर फिट होगा, ये मोटर की शाफ्ट आ जाएगी, और यहाँ ये ऑयल लेवल के लिए, ऊपर फिल के लिए है। तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता, इसमें 2 लीटर ऑयल आता है, 1 से 1.5 लीटर ऑयल आता है गियर बॉक्स में, 2 लीटर नहीं आता इसमें, और जो बड़े होते हैं उसमें आता है। और यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर गियर फिट होगा, और जो इसका बीच में जो झीरी कटी हुई है जो यहाँ से, तो ये पूरी तरह से इसमें भी ऑयल ग्रीस लगा देने से क्या है कि जब भी आप दोबारा इसको कभी किसी कंडीशन में निकालना है तो आसानी से निकल जाता है। और यहाँ से इसको आसानी से पुश करेंगे। अभी सीमेंट इसमें भरा है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो सीमेंट भरा रहने से जो अंदर साइड का स्क्रू है वो थोड़ा सा नीचे साइड को चला जाता है, तो जब भी आप बैठाएंगे तो परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो अभी जो दूसरा एक पार्ट है कस लिए हैं, इसका दूसरा लगा देंगे यहाँ से। अभी मोटर लगानी बाकी है, और चाहे ये दोनों पार्ट को आप बाहर कस लीजिए, आपको जैसे आसानी लगे, लेकिन बेटर रहेगा बाहर। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से हमने अलग अलग ही फिट कर लिया। और इसको बैठाने में जो भी बोल्ट हैं सब बराबर टाइट करना है। कास्टिंग की बॉडी होती है, इस पर ज़्यादा चोट नहीं मारना होता, नहीं यदि गलत चोट पड़ जाए तो बहुत जल्दी टूट जाता है। और बराबर कसना है, और एक साइड का यदि किसी तरह से हम कसते हैं तो भी डैमेज हो जाती है बॉडी। तो इस प्रकार से ये
धीरे धीरे टाइट करेंगे तो सब पूरा बराबर आसानी से बैठ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पूरा अभी कंप्लीट है, अब यहाँ पे जो भी इस तरह से कस के कंप्लीट है मोटर के साथ, स्क्रू कन्वेयर में जो भी प्रॉब्लम है इस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिया गया इस वीडियो में जो भी जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।